रिजर्व पुलिस लाइन स्थित पुलिस बैरक हॉल में सोमवार को एसपी क्राइम अशोक कुमार वर्मा के नेतृत्व में डायल 112 में तैनात महिला और पुरुष पुलिस कर्मियों का 18 दिवसीय प्रशिक्षण संपन्न हुआ। प्रशिक्षण के दौरान एसपी क्राइम अशोक कुमार वर्मा ने महिला और पुरुष प्रशिक्षकों को ड्यूटी के दौरान नागरिकों के साथ समन्वय स्थापित कर अपने कार्यों को संवादित करने के गुण बताए, साथ ही पुलिस की एक अच्छी छवि को समाज में स्थापित रखने के लिए प्रेरित किया। प्रशिक्षण के पश्चात एसपी क्राइम अशोक कुमार वर्मा ने प्रशिक्षु महिला और पुरुष पुलिस कर्मियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। इस संबंध में गोरखपुनी से बात करते हुए एसपी क्राइम अशोक कुमार वर्मा ने कहा, कोविड का संक्रमण है उसका मेन अपने हाथ से इस्तेमाल किया, हाथ का भी होता है, हाथ का भी होता है, लेकिन जरूरी है कि हम इसमें हाथ इसे मेन सभी नहीं हो पाएंगे, लेकिन आप लोग प्रभावित हो जाएंगे। बाई चांस अगर ये इसे नहीं करता हूँ मुझे इसी आ गई तो ये जो मास्क है सारी बात सावधानी वाली बात है, सावधानी वाले छोटे समय भी घर के लगाना चाहेंगे, एक दो दिन असुविधा हो लेकिन आपके ये आदत हो जाएगी। संक्रमण बहुत ज़्यादा हो रहा है इसलिए पब्लिक प्लेस जहाँ भी रहना आस पास जैसे एक इलाके के लिए एक बंद कमरा ही इसे मान्य है, तो जिसके बारे में काफ़ी अच्छी खास की जानकारी है, अच्छा खासा अनुभव है। बाई चांस जो आप लोगों ने ये सब ऐसे कुछ शब्द हैं जानकारी होना जरूरी है, जल्दी पूछेंगे लोग भी बता नहीं पाएंगे, वो दो तीन शब्द बताते हैं। जब आप लोग यहाँ पर आप आई सी कभी चालू हुई है तो आप लोगों की जो जानकारी का स्तर था या मेरी नॉलेज है जितना जो मुझे इंफॉर्मेशन है जो मेरी नॉलेज है जो मैंने सीखा है जो मेरा अनुभव है मेरा बिहेवियर जो है ये व्यवहार है उसी के साथ होता है, गलत नहीं कह रहे हैं हम जो व्यवहार है बस अब ग्यारह नहीं दस मिनट में समाप्त करूँगा चूँकि आज हमको सत्रह में बीच में आ नहीं पाया, तो हमारा व्यवहार किससे संचालित होता है हमारे अनुभव से होता है, फिर आप कहेंगे संस्कार भी होता है, संस्कार भी ठीक है बहुत एक लंबी चीज है, तो उसको संक्षेप में करके हमारी इन्फॉर्मेशन क्या है किसी भी विषय पर वस्तु के बारे में इन्फॉर्मेशन क्या है हमारी हमारा ज्ञान क्या है, इन्फॉर्मेशन और ज्ञान अंतर भी है, इन्फॉर्मेशन क्या है ज्ञान क्या है हमारा अनुभव क्या है हमारी समझ क्या है ये भी है, और तो सोचते हैं यार तो कुछ मामलों में शांत हो या कुछ चीज़ों को टॉयलेट कर लेना ही कभी कभी होता है, जरूरी खर्च का जवाब दिया जाए जरूरी खर्च का या विरोध नहीं किया जाए, कभी कभी चुप रहना शांत रहना सूझबूझ से काम लेने वाली बात होती है, अगर आप करेंगे तो मेरे ख्याल से आप जीवन बहुत सफल रहेंगे, या कुछ लोगों का काम तनाव से उसी में लगे रहते हैं जैसे है ये जवाबी कवाली हो रही हो, तो जानकारी तो मैंने बताया ज्ञान बताया मैंने अनुभव बताया फिर सूझबूझ वाली बात बताई, नागरिक है और सिटीजन से भी एक चीज है जो भी आप लिखेंगे उसको आप किससे बनवाइएगा, कोई भी जिम्मेदार आदमी जिम्मेदार पार्टी नहीं करता जो नागरिक कानून तो नागरिक समझ बनना जैसे संस्कृत होना संवेदनशील होना संवेदनशील इस हद तक होना है कि समझिए कि अपने साथ जो प्रॉब्लम है जब आप कल्पना सेंसिटिव मतलब प्रस्तुति हो गई अच्छे कानून हो गई जो अधिकार दिखा किसी साथी हुआ होगा तो संवेदनशीलता बहुत जरूरी है, आपको पैसे बताया जो क्या होगा मतलब जब आप अपने आप को सिचुएशन बनाकर सोचते हैं कि समझो इतना मेरे साथ हो गया मेरे परिवार वालों के साथ हो गया मेरा बच्चा अगर गायब हो गया तो क्या जब मेरा बच्चा गायब हो जाएगा हम हाई कवर करते नहीं करते पूरा मैं क्या होता है ये काफ़ी आसान कर सकते हैं, अभी मान लीजिए मेरा ही मेरे जो खास में गायब हो गया है मैं थोड़ा एस एस पी से थोड़ा डी आई साहब से थोड़ा उनसे उनसे हर चीज़ का क्या होता है काम करूँगा जानकारी से सूचना से इंफॉर्मेशन से नॉलेज से सूझबूझ वाली बात एक्सपीरियंस वाली बात चल रही है इसको अच्छी तरह रखिएगा आप सबके पास व्यवस्था ऐसा निकाल के आप रखिएगा किसी ने बचा होना चाह रहा था लेकिन
रेनू अनीता मैं लग सलोनी इडिया करप्टर रोल सारा अच्छा रहा ना नहीं है क्या वो क्या पसंद ये हमारे 112 में जो महिला आरक्षी और आरक्षी नियुक्त हैं उसी के उससे संबंधित प्रशिक्षण है। 18 दिनों के प्रशिक्षण था ये। आज इसका अंतिम सत्र है, अंतिम दिन है और ये इसको डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग यूनिट कहते हैं। मैंने बताया 112 मुख्यालय से संबंधित है। 112 जो गाड़ियाँ चलती हैं वह दो पहिया चार पहिया वाहन चलते हैं उससे संबंधित है। तो इनको प्रशिक्षित किया गया 18 दिन का एक अच्छा खासा एक वेल डिज़ाइन जो एक अच्छा खासा कोर्स डिज़ाइन किया गया है। उसी कोर्स को जो अपेक्षाएं हैं 112 की उसके हर बिंदु पर 18 दिन का कोर्स बहुत व्यापक होता है। तो इनको भली भांति ट्रेनिंग दिया गया है और अभी अंतिम सत्र में भी और शुरुआत में भी इनको मैंने भी काफ़ी कुछ ब्रीफ किया है कि 112 की अपेक्षाएँ क्या हैं, उसको कैसे करना है, कैसे EMDT को हैंडल करना है, मौके पर जाकर के किस तरह से व्यवहार करना है। तो काफ़ी विस्तृत तरीके से इनको समझाया गया। तो आज इनका 18 दिवस का प्रशिक्षण पूरा हो रहा है। तो 112 से संबंधित प्रशिक्षण था, इसमें 28 लोग भाग लिए, जिसमें से 8 महिला आरक्षी हैं, बाकी ये कांस्टेबल हेड कांस्टेबल हैं। कुल 28 की संख्या है। जी, ये मुख्यालय से सर्टिफिकेट आया हुआ था क्योंकि मुख्यालय से प्रत्येक जनपद में इसी प्रकार के 18 दिवस की ये ट्रेनिंग हुई है, फ्रेशर ट्रेनिंग हुई है, 18 दिवस की होती है। तो आज सभी जनपदों में आज का समापन दिवस है। फिर आगे अभी 9 दिन की रिफ्रेशर ट्रेनिंग चालू होने वाली है 5 अक्टूबर से। तो प्रशिक्षण का सिलसिला चलता रहता है कि हमारे जो ये 112 के कर्मी हैं भली भांति अपने दायित्वों के बारे में, अपने कर्तव्यों के बारे में, अपने बात व्यवहार में जो शिष्टता है, जो चैलेंजेस हैं, उनको किस तरह से चीज़ों को ये हैंडल करना है, कोई इवेंट आता है कैसे हम एक अच्छा रिस्पांस टाइम दे सकते हैं, फिर ये अपने GPS के बारे में हर बिंदु कोरोना के संबंध में भी तेज़ी से प्रशिक्षण इनको दिया गया है।